क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में आपको स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज के क्लास में हम लोग यूटिलाइजेशन को आगे लेकर के चल रहे हैं। यूटिलाइजेशन का हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। यूटिलाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं हीटिंग। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे हीटिंग क्या है, हीटिंग का क्या लाभ है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग से क्या फ़ायदा है, इसके बारे में हम लोग देख चुके थे। आज के क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे कैसे हम लोग हीटिंग कर सकते हैं, क्या क्या टाइप ऑफ द हीटिंग हो सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ हीटिंग कैसे कैसे हो सकता है। तो हम आज के बाद में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हीटिंग, यानी कि बोल सकते हैं कि कितना तरह से हम लोग हीटिंग कर सकते हैं, इसके बारे में आज के क्लास में लोग पढ़ेंगे। इसमें जो होता है, एक आपका पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग होता है, एक जो होता है हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग होता है। इसमें दो चीज़ होता है, एक आपका पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग होता है, एक आपका पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग है और एक जो है से क्या है बताइए, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। एक है पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग और दूसरा जो है से क्या, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। तो हम लोग पावर फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे, जो कि आपका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा आता है, 50 हर्ट्ज जो है से आपका क्या है, पावर फ्रीक्वेंसी है, वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर के रूप में उसी फ्रीक्वेंसी पर हम लोग क्या करते हैं, कार्यरत करते हैं। दूसरा जो है हाई पावर फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ इक्वल टू क्या है बताइए, हमारा ध्यान दीजिए, एफ इक्वल टू जो है मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, हाई फ्रीक्वेंसी होगा, 100 हर्ज हो जाए, 200 हर्ज हो जाए, इस तरह से हाई फ्रीक्वेंसी इसको कैटेगरी देंगे। पावर फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा होता है। इसमें भी दो प्रकार के हीटिंग होता है, एक आर्क, ये हमारा रेजिस्टेंस हीटिंग होता है, इसमें भी दो प्रकार के है, एक आपका रेजिस्टेंस हीटिंग है, दूसरा जो है आपका आर्क हीटिंग है, एक जो है इसमें आपका रेजिस्टेंस हीटिंग है। कौन सा हीटिंग है बताओ, रेजिस्टेंस हीटिंग है और क्या बताइए, आर्क हीटिंग है। यानी कि दो प्रकार से हीटिंग इसमें भी हम लोग डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस हीटिंग और कौन सा, आर्क हीटिंग। रेजिस्टेंस हीटिंग भी हमारा फर्दर डिवाइड करेंगे, तीन तरह से आपका होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका तीन प्रकार का होता है, कौन कौन सा तीन प्रकार का होता है, एक जो होता है आपका डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, एक जो है आपका डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है, दूसरा जो है से क्या बताइए, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, और तीसरा जो है आपका इन्फ्रारेड, या फिर इसको रेडिएंट हीटिंग। ये तीन प्रकार के हीटिंग है, रेजिस्टेंस हीटिंग, डायरेक्ट हीटिंग, इनडायरेक्ट हीटिंग, इन्फ्रारेड और रेडिएंट हीटिंग, ठीक है। अब हमारा ये तीन प्रकार के रेजिस्टेंस हुआ, इसी तरह से आर्क भी तो डिवाइड होगा, आर्क भी क्या है बताइए, डायरेक्ट आर्क हीटिंग और क्या है, इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग, ये भी दो प्रकार के हैं, एक आपका जो है डायरेक्ट आर्क हीटिंग है, और दूसरा जो है आपका इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग है। ये भी दो प्रकार के हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी हीटिंग का बोलेंगे तो एक होता है इंडक्शन हीटिंग, एक होता है डायलैक्ट्रिक हीटिंग। इसमें भी दो प्रकार के हैं, एक आपका क्या है बताइए, एक आपका इंडक्शन हीटिंग है, और दूसरा जो हीटिंग है ये आपका डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग है। ये आपका दो प्रकार का होता है, इंडक्शन हीटिंग और कौन सा बताइए, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, ठीक है। ये हमारा दो प्रकार के, इंडक्शन हीटिंग और डायलैक्ट्रिक हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग भी है, ये भी फर्दर दो प्रकार से डिवाइड हुआ है, एक आपका डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग और एक क्या है, इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग। एक जो है आपका डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग है, दूसरा जो है आपको क्या बताइए, इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग। एक जो है डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग है, एक जो है क्या, इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग है, क्लियर है। ये हमारा बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हीटिंग का, ये हम बात किए इतना तरीके से हम लोग हीट को पैदा कर सकते हैं।
हम पिछले क्लास में क्या देखे थे, हीट पैदा करने के इलेक्ट्रिकल हीटिंग का क्या क्या लाभ है। आज हम के क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटिंग को पैदा कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर बात करें तो पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग है, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग है, यानी पावर फ्रीक्वेंसी जनरली 50 हर्ट्ज और हायर फ्रीक्वेंसी उससे हायर होगा। अब हमारा पावर फ्रीक्वेंसी में भी दो प्रकार के हैं, आर्क रेजिस्टेंस हीटिंग और आर्क हीटिंग। इसके अलावा रेजिस्टेंस में भी तीन प्रकार के फर्दर है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, इंफ्रारेड या रेडिएंट हीटिंग है। आर्क हीटिंग भी फर्दर दो प्रकार के है, एक आपका डायरेक्ट आर्क हीटिंग ARC है, डायरेक्ट आर्क हीटिंग, और एक जो है क्या इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। और ये हाई फ्रिक्वेंसी दो प्रकार के डिवाइड हुआ है, कौन कौन सा है, एक आपका इंडक्शन हीटिंग है, एक जो है आपका डायलैक्ट्रिक हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग का भी दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग और दूसरा क्या बताइए, इनडायरेक्ट एंड इंडक्शन हीटिंग। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लासिफिकेशन आपका दिमाग में सेट हो गया होगा। समटाइम्स आता है व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द हीटिंग, ऐसे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ हीटिंग, इस तरीके से करके 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। समटाइम्स आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। समटाइम्स ऐसे आएगा कि रेजिस्टेंस हीटिंग को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और इंफ्रारेड तीनों को क्या करना पड़ेगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन आपको आता है। कभी कभी आपका आर्क हीटिंग के बारे में दे देता है, कभी कभी इंडक्शन हीटिंग से दे देता है। ये जो है टाइप्स ऑफ हीटिंग से यहाँ से फिक्स क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी कि फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको आता ही आता है। बात समझे, अगर 4 नंबर नहीं दिया तो 6 नंबर में देना मजबूरी इसको है कि एकदम देगा ही देगा, एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी मिनिमम 8 नंबर मैक्सिमम 10 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आपको हीटिंग चैप्टर से अराइज होता है। ठीक है, इसी तरह से बिल्डिंग से भी आपका 4 नंबर 6 नंबर, यानी कि ये चैप्टर जो है बहुत हीटिंग एंड बिल्डिंग अगर पूरा कवर कर लेते हैं तो आप श्योर शॉट रहिए कि 15-16 नंबर का क्वेश्चन आपके हाथ से कहीं जाने वाला नहीं है, यानी कि टोटल 70 नंबर के क्वेश्चन में 15-16 नंबर का क्वेश्चन एटलीस्ट इस चैप्टर से आप क्या कीजिए, हीटिंग एंड वेल्डिंग से पकड़ लीजिएगा। क्लियर है, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लासिफिकेशन को आप लिखिए, इसके बाद हम टाइप को आगे डिस्कशन करते हैं, रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होता है और रेजिस्टेंस हीटिंग कितना तरह के, उसके टाइप को डिस्कशन करते हैं फुल डिटेल में। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए, हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस हीटिंग में। तो रेजिस्टेंस हीटिंग क्या है, रेजिस्टेंस हीटिंग बेसिकली जो है कोई भी मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल एलिमेंट है मान लीजिए कि अगर रेजिस्टर पास से अगर हमारा करंट पास होगा, अगर इसका रेजिस्टेंस आर है तो इसमें हीट इक्वल टू आप लोग पढ़े होंगे I² R पावर होगा, इसको टाइम से अगर गुना करेंगे तो यही क्या होगा बताइए, हीट होगा हीट एनर्जी। यानी कि ये हम लोग बात करेंगे अगर ये रेजिस्टेंस हीटिंग जो बेस्ट है किस पे हीटिंग है, I² R पर हीटिंग पर बेस्ट है, यानी कि I² R का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हीटिंग होगा कोई भी टाइम में। यानी कि किस पे डिपेंड करेगा, बेस्ट ऑन किस पर, I² R इफेक्ट पर ही डिपेंड करेगा। दिट हीट विल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट पासिंग थ्रू इट, यानी कि इससे कितना करंट पास कर रहा है उस पर भी निर्भर करेगा और इस मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना उस पर भी निर्भर करेगा। टाइम तो सबके लिए फिक्स ही होगा, मान लीजिए 10 मिनट के लिए हम बात करेंगे, मटेरियल चेंज करने से उसका रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि उस पर निर्भर करेगा ही करेगा। यानी कि टाइम जो है से फिक्स है, फिक्स टाइम के लिए मटेरियल चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट क्या करेगा, चेंज करेगा। ये जो होता है हीट इफेक्ट क्या होता है, I² RT, ये जो है सो आपका हीटिंग इफेक्ट है, तो हीटिंग इफेक्ट चेंज करने से वो भी क्या होगा बताइए, चेंज करेगा, डिपेंड करेगा किस पर, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट पासिंग थ्रू द मटेरियल। दिस मेथड हैव द वाइड एप्लीकेशन सच एज हीट ट्रीटमेंट ऑफ द मेटल्स। हीट ट्रीटमेंट्स मतलब, कहने का मतलब है कोई भी मेटल को जैसे गलाना है आपको, गला करके एक मटेरियल को गला करके दूसरा मटेरियल बनाना है, यानी मेल्ट करके पिघला करके बनाएंगे, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस हीटिंग का कॉमनली उपयोग करते हैं। जैसे कि आप खाना बना रहे हैं, इंडक्शन हीटिंग भी वहाँ पर है, साथ ही साथ आपका रेजिस्टिंग हीटिंग भी है, तो डोमेस्टिक भी कॉमर्शियल भी हीटिंग में आपका उपयोग होता है, रेजिस्टेंस हीटिंग का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बात समझे, रेजिस्टेंस हीटिंग दो प्रकार के होता है, यह और इसमें 100 डिग्री, जैसे कि आपको इंडक्शन हीटर है, इंडक्शन हीटर में आपका इंडक्शंस भी रहता है, रेजिस्टेंस हीटिंग भी वाला भी आता है, रेजिस्टेंस हीटिंग वाला अब उतना इफेक्टिव नहीं है, इंडक्टेंस हीटिंग वाला आने लगा है इंडक्शन हीटर, तो रेजिस्टेंस हीटिंग भी होता है, इंडक्टेंस हीटिंग भी होता है। तो आपका रेजिस्टेंस हीटिंग का बात करेंगे तो इसमें टेम्परेचर 1000 डिग्री तक हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वायर ऑफ रेजिस्टेंस एम्प्लॉइंग वायर रेजिस्टेंस कितना है,
कितना हम लोग उसको हीटिंग हम लोग कर सकते हैं उस पर निर्भर करेगा कि कितना हम लोग टेम्परेचर तक इसको बना सकते हैं हीटिंग एलिमेंट का। और ये बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक आपका डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है, एक आपका इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है। डायरेक्ट रेजिस्टेंस में बताएंगे जो भी मटेरियल को हीट करना है डायरेक्टली उससे करंट पास करवाते हैं, वो डायरेक्टली हीट होता है। इनडायरेक्ट में उससे हम करंट पास नहीं करवाते हैं, लेकिन कुछ प्रोसेस होता है उसके द्वारा उसमें क्या होता है, हीटिंग होता है। जस्ट अभी हम डिटेल देखने वाले हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होता है और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होता है। एक और इंफ्रारेड हीटिंग बताएं, वो बेसिकली कॉमनली उसको हम लोग नहीं यूज करते हैं, कम से कम यूज करते हैं। लेकिन ये दोनों क्या है, मेन बेसिक दो मेथड है, मेनली दो मेथड है। एक आपका डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, दूसरा क्या है बताइए, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। ये दोनों को हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो इतना लिखने के बाद आप हेडिंग दीजिए डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। देखिए ये हम लोग देख रहे हैं अभी डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग को आप समझने का कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है ये। बेसिकली आपका एक आपका फर्नेस है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, कोई भी मटेरियल को क्या करना है, हीट करना है। ये मान लीजिए कोई एक फर्नेस है, वहाँ पर कोई मटेरियल को रख करके आप क्या कीजिएगा, हीट कीजिएगा। हम लोग रेजिस्टेंस हीटिंग के द्वारा हम लोग कैसे हीट करेंगे, ये सब देख रहे हैं। ये सब जो है आपका मटेरियल है, जो मटेरियल हीट होने वाला है, ये हमारा ये मेथड जो है मटेरियल और अस्चार्ज। ये मटेरियल को हम लोग इसमें अस्चार्ज भी बोलते हैं, मटेरियल और फिर क्या बोलते हैं, अस्चार्ज टू बी हीटेड टेकन एट द रेजिस्टेंस एंड करंट पासेस थ्रू इट, ठीक है। अब ये जो है जो हीट करना है, इट मे बी आपका पाउडर भी हो सकता है, पीसेस भी हो सकता है, और ये लिक्विड भी हो सकता है, और लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इस फर्नेस में आपको जो हीट करना है, कोई पीस, छोटा छोटा पीस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, पाउडर भी हो सकता है, जिसको आपको क्या करना है, गर्म करना है, ठीक है। ये जो गर्म कैसे होगा, अब देखिए ध्यान दीजिए कैसे इसका प्रोसेस है, कैसे इस लोग गर्म करते हैं। ये दो इलेक्ट्रोड है, बेसिकली दो इलेक्ट्रोड है। अब ये दो इलेक्ट्रोड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सप्लाई देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई देंगे। डीसी भी दे सकते हैं, एसी भी दे सकते हैं, दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। अगर हमारा डीसी एसी सप्लाई का अगर हम बात करें, तो सप्लाई डीसी एसी दोनों हम दे सकते हैं। अगर मान लीजिए हम सिंगल फेज बात करें या डीसी का बात करेंगे, तो दो ही इलेक्ट्रोड का जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें चाहते हैं कि आप थ्री फेज अगर हम इसमें सप्लाई दें, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रोड का जरूरत पड़ेगा, तीन इलेक्ट्रोड का जरूरत पड़ेगा। जब हम लोग थ्री फेज लेंगे तो कितना इलेक्ट्रोड का जरूरत पड़ेगा, तीन। अगर हम डीसी सप्लाई लें या फिर आपका सिंगल फेज एसी सप्लाई दें, तो दो इलेक्ट्रोड सफिशियंट है, और थ्री फेज लेंगे तो तीन इलेक्ट्रोड आपको चाहिए इसके लिए, ठीक है। और यही जो मटेरियल है, इसको आपको क्या करना है, हीट करना है, जिसको चार्ज बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे, मटेरियल बोलेंगे, पाउडर के फॉर्म हो सकता है आपका, छोटा छोटा टुकड़ा हो सकता है, या फिर लिक्विड हो सकता है। अब देखो हमारा ध्यान दो, इसको हीट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हाई रेजिस्टिव पाउडर इसके ऊपर छिड़क देते हैं। हाई रेजिस्टिव पाउडर डालने से क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में डायरेक्टली शॉर्ट सर्किटेड ना हो जाए, इसलिए क्या करते हैं, हाई रेजिस्टिव पाउडर इसके ऊपर से स्लज के फॉर्म में हम लोग दे देते हैं। देखिए हमारा टू इलेक्ट्रोड आर इमर्ज इन द चार्ज, इसमें क्या करें, दोनों इलेक्ट्रोड को इमर्ज कर दिया जाता है, और इसमें कनेक्टेड सप्लाई थ्री फेज भी हो सकता है। मटेरियल आर टू बी हीटेड, सम हाईली रेजिस्टेंस पाउडर आर स्प्रिंकल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द पीस ऑफ टू अवॉइड द डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट सर्किट डायरेक्टली ना हो, इसलिए पाउडर यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। और देखिए हमारा इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, अब देखिए हमारा करंट फ्लो करने के लिए क्लोज पाथ होना चाहिए, और यहाँ पर ऐसा ये मटेरियल होता है जिसका कुछ न कुछ आपका रेजिस्टेंस है। जैसे यहाँ पर सप्लाई देते हैं, तो इस मटेरियल से होते हुए दोनों इलेक्ट्रोड में क्या करता है, रेजिस्टर का ही काम करता है, और ये क्या करता है, इससे इससे करंट फ्लो करना चालू किया। जैसे करंट फ्लो करेगा, तो आई स्क्वायर आर लॉस से क्या होगा बताइए, हीटिंग होगा। आई स्क्वायर आर इंटू टी हीट लॉस है, उसमें ये हीट है, तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली हीट होगा। और इसका नाम हम लोग डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्यों बोल रहे हैं, कि जो मटेरियल है उससे होकर के डायरेक्टली करंट पास कर रहा है, यानी कि डायरेक्टली हीटेड हो रहा है, कोई दूसरा मीडियम को हीट होने से नहीं हो रहा है। जैसे आपका खाना पकता है, तो खाना पकता है तो खाना देखिए हमारा क्या है कि आपका फॉर एग्जाम्पल प्रेशर कुकर को, कुकर को गर्म करते हैं, उसके अंदर जो कंटेंट है उसको गर्म नहीं करते हैं। लेकिन प्रेशर कुकर को गर्म होने से क्या होता है, सारा अंदर का बात गर्म हो जाता है, यानी कि एक बीच में मीडियम आ रहा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये जो मटेरियल को आप हीट करना चाहते हैं, ये डायरेक्ट हीटिंग है। कहने का मतलब ये मटेरियल से होकर के ही करंट पास करेगा, और मटेरियल से होकर के अगर करंट पास करेगा तो डायरेक्टली हीटेड होगा। कैसे हीटेड होगा, तो आई स्क्वायर आर लॉस के आधार पर रेजिस्टेंस हीटिंग होता है, यानी किस मटेरियल का जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, उस हिसाब से क्या होगा, हीटिंग होगा। तो इसका नाम क्या बताइए, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। यानी कि इस मेथड कहाँ पर उपयोग होता है, दिस मेथड ऑफ हीटिंग यूज इन साल्ट
बाथ फर्नेस, यानी कि फर्नेस जो होगा कैसा होगा, साल्ट बाथ फर्नेस एंड इलेक्ट्रोड बॉयलर फॉर हीटिंग वाटर। इलेक्ट्रोड बॉयलर भी इसको यूज करते हैं किसके लिए, वाटर को हीट करने के लिए। ये जो है आपका क्या है, डायरेक्ट हीटिंग है। डायरेक्ट हीटिंग जैसे कि हम लोग बात करेंगे तो डायरेक्ट हीटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट हीटिंग है। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, फिर से एक बार ओवरव्यू करते हैं। ये जो है आपका साल्ट बाथ फर्नेस है, इसमें क्या है बताइए, जो मटेरियल जो आपको गर्म करना है उसको हम लोग यहाँ पर कंटेंट रख दिए। ये मटेरियल आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। सॉलिड करने का मतलब पूरा सॉलिड नहीं होगा, शॉर्ट पीसेस टुकड़ा टुकड़ा के फॉर्म में होगा, और ये पाउडर के फॉर्म में भी हो सकता है। और जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इसको देते हैं, अगर हम सिंगल फेज देंगे तो दो ही इलेक्ट्रोड लेंगे, या डीसी देंगे तो दो इलेक्ट्रोड, लेकिन अगर यहाँ पर हम थ्री फेज देंगे तो तीन तीन इलेक्ट्रोड आपको लेना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, इमर्ज होता है, ये दोनों इलेक्ट्रोड क्या होता है इसमें डाला हुआ रहता है कि ये जो है आपका स्लज जो चार्ज जो है या मटेरियल है उसमें इमर्ज हो जाए। अगर इमर्ज हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, इससे होकर करंट फ्लो करेगा, तो डायरेक्टली क्या होगा, ये मटेरियल हीटेड होगा। डायरेक्टली मटेरियल हीटेड होगा तो यहाँ पर इसमें रेजिस्टेंस जो होगा हाई अगर रहेगा तो ज़्यादा जल्दी हीटेड हो जाएगा। और इसमें बहुत हाई इफिशियंट हीटिंग होता है, क्यों, क्योंकि दूसरे मीडियम के माध्यम से हीट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट हीटिंग हो रहा है, इसलिए इसमें हाई टेम्परेचर पर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। लेकिन इसमें टेम्परेचर कंट्रोल संभव नहीं है, क्यों टेम्परेचर कंट्रोल संभव नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली इसी से होकर के आपका करंट पास कर रहा है ना, इसलिए इसमें करंट नहीं संभव है। लेकिन यूनिफॉर्म हीटिंग होता है, यूनिफॉर्म हीटिंग होता है और हाई अमाउंट में हीटिंग होता है। इसका क्या है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का ये आपका एडवांटेज हुआ। यहाँ तक बात बिल्कुल समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, हम आशा करते हैं कि बिल्कुल मेरा बात को आप समझ रहे होंगे। ये है आपका डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, ये डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है, क्लियर है। तो इस क्लास में हम लोग डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग को पढ़े हैं। अगला क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं कि इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग आपका क्या होता है, क्लियर है। इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।